हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ में है मारुति सुजुकी की लेटेस्ट एंट्री। अब इसको लेटेस्ट कहना सही है कि गलत वो तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज इट इज़ अ बलिनो क्रॉस। स्ट्रेट अवे आपको लेके चलता हूँ वीडियो में और आपको बताता हूँ कि क्या है बलिनो क्रॉस, यानी कि फ्रॉक्स के अंदर ऐसा जो आपको इस गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए और इसके लिए वेट करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर फ्रंट में देखेंगे आप तो यहाँ पर जो है वो DRL मेंशन की गई है। तीन सेक्शन यहाँ पर DRL के हैं और ये ब्लैकआउट की गई है थ्रू आउट द बॉडी। इधर कुछ कर्व्स आपको मेंशन किए गए हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो तीन पैरल जो है वो हेडलाइट सेटअप ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर भी कुछ फिनिशिंग है अलग से, जो है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। ये जो ग्रिल देखेंगे आप, ये कम्प्लीटली जो है वो पियानो फिनिश के साथ में आ रही है। क्रोम जो है इसके अंदर इंटैक्ट ज़रूर है, उसको हल्का सा डीक्रोम किया गया है ताकि वो आंखों में चुभे ना। ऊपर अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर कैरेक्टर लाइन्स बिल्कुल जो है वो नई है, वो बलिनो जैसी नहीं है और उनके अंदर काफ़ी बदलाव ज़रूर किया गया है। नीचे एयर डैम दिया गया है जो कि डुअल टोन एयर डैम के साथ में आता है। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कम्प्लीटली नए सेट ऑफ एलॉय व्हील्स दिए गए हैं और इनको काफ़ी डुअल टोन रखा गया, मशीन कट है ये एलॉय व्हील्स। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 195/60 रेडियल 16 इंचेस के टायर्स के साथ में आ रहे हैं। मैकफर्सन स्ट्रट्स आपको इधर ऑफर किया गया है और यहाँ पर जो है वो प्लास्टिक की क्लैडिंग भी थ्रू आउट द बॉडी दी गई है, बट व्हील आर्च पर जो है वो एक्स्ट्रा थिकनेस ऑफर किया गया है ताकि इसको एक मस्कुलर एंड या यू नो SUV वाली प्रेजेंस दी जा सके। अंदर जो है प्लास्टिक की क्लैडिंग आपको ऑफर होती हुई नजर आएगी जो कि इसको बचाएगी, इसके मेटल पार्ट्स को बचाएगी रस्ट होने में। अगर ये पार्ट आप देखें तो बलिनो की काफ़ी याद दिलाने वाला है। और यहाँ पर जो है वो कैमरा दिया गया ताकि 360 डिग्री का कैमरा इसके अंदर दिया जा सके टर्न इंडिकेटर के साथ में। ये काफ़ी प्लीजेंट लग रही है और ये वाले जो शोल्डर लाइन्स हम यहाँ से देखोगे यहाँ तक जाते हुए फेंडर तक जा रहे हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं साइड प्रोफाइल से। साइड प्रोफाइल में अगर हम इस तरफ बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपको एक रिक्वेस्ट बटन ऑफर किया गया है और इधर जो है वो आपको क्रोम लाइनिंग जो है वो थ्रू आउट द बॉडी पीछे तक ऑफर की गई है। अब ये हल्का सा फ्लोटिंग डिज़ाइन यहाँ पर ज़रूर आपको देखने को नज़र आने वाला है। ऊपर हम बात करें तो रूफ रेल ज़रूर दी गई है, एंड इफ़ दीज आर फंक्शनल और नॉट, मेरे ख्याल में ये केवल कॉस्मेटिक रूफ रेल है। इसके साथ में आप ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। नीचे अगर चलूँ तो यहाँ पर प्लास्टिक की क्लैडिंग ऑफर की गई है, ये भी डुअल टोन प्लास्टिक की क्लैडिंग है। अच्छी खासी जो है वो यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है ये गाड़ी। तो दोस्तों, अब ज़रा बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। ये जो है वो आपको काफ़ी कनेक्टेड सा नज़र आएगा। ये कनेक्ट होते 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 पीछे तक जाते हैं और कनेक्टेड टेल लैम्प्स इतनी ज़्यादा फेमस है इस टाइम, ट्रेंड में है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 3D इम्प्लांट जैसे जो है वो कोशिश की गई है देने की। ब्लैकआउट कर दिया गया है इस पूरे सेक्शन को। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर भी जो है वो कुछ इस तरीके का ऑफर किया गया है, एंड ये ना एरोइश डिज़ाइन में देखे ज़्यादा कर्वी अब महसूस करवाती हैं। यहाँ पे सुजुकी का लोगो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफॉगर यूनिट दी गई है, एंड ये वाइपर सेटअप कुछ इस तरीके का, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स के साथ में ये कुछ है वो वाइपर जेट भी इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये कनेक्टेड लाइट्स आपको यहाँ पे देखने को नजर आएगी जो कि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में। बैजिंग भी नीचे दी गई है, इस तरफ फ्रॉक्स की बैजिंग दी गई है। नीचे अगर आप देखेंगे तो डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है, चार पार्किंग सेंसर्स एंड एक रिफ्लेक्टर सेटअप भी। इस तरफ से जो है वो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, डिफॉगर यूनिट एंड वाइपर सेट जो है वो ऑफर किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इंटीरियर्स चलते हैं और इंटीरियर्स में चेकआउट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इंटीरियर्स ज़रा चेकआउट करवाता हूँ। देखो, बलिनो के इंटीरियर्स जैसे ही इसके इंटीरियर्स हैं उनमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, बट यहाँ पर जो है वो एक आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नज़र आएगा। बाय द वे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले इंटीरियर ज़रा चेकआउट करवा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है वो पियानो फिनिशिंग आ गई है। पीछे आपको जो है वो यहाँ से आपको पेडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए गए हैं और स्टेयरिंग पे बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी। नीचे भी कॉल पिकअप एंड ड्रॉप के बटन्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर क्रोम लाइनिंग है एंड बीच में सुजुकी का लोगो, लेदरेट टच ऑल टुगेदर दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर टैकोमीटर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में स्पीडोमीटर, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग, बीच में जो है वो MID TFT दी गई है और यहाँ से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब ये जो है वो ऑटो IRVM है और यहाँ ये बलिनो में भी आया करता है और बहुत सारी गाड़ियों में मारुति सुजुकी इसको ऑफर करती है। यहाँ से लाइट ऑन एंड ऑफ आप अक्सर तौर पे कर सकते हैं और यहाँ पे जो है वो सन वाइज़र, एक वैनिटी लाइट और वैनिटी मिरर के साथ में। इस तरफ भी एक सन वाइज़र, वैनिटी लाइट एंड वैनिटी मिरर के साथ में आता है। ये है स्मार्ट प्ले प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में आता है। और आप इसका टच स्क्रीन रिस्पॉन्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छा टच स्क्रीन रिस्पॉन्स है। यहाँ पे AC के वेंट्स दिए गए हैं एंड यहाँ पर जो है वो क्रोम इंसर्ट भी आप देखेंगे। इस तरफ सैटिन फिनिश है दोनों तरफ ही और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12 वोल्ट का DC सप्लाई, इधर USB स्लॉट एंड यहाँ पर जो है वो वायरलेस चार्जिंग के साथ में
कुछ इस तरीके से अपना फ़ोन रख सकते हैं। यहाँ पे दो कैन होल्डर भी दिए गए हैं और एक आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर एक्चुअली में ऑफ़र होता हुआ नज़र आने वाला है, जो कि फंक्शनल आर्मरेस्ट है। इसके अंदर जो है वो स्पेस भी दी गई है। इस तरफ अगर देखें तो कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स आपको ऑफर करेगी ये गाड़ी। डैशबोर्ड का लेआउट आपको काफ़ी जाना पहचाना गया, क्योंकि बलिनो से इंस्पायर्ड है कम्प्लीटली, और यहाँ पर हेडअप डिस्प्ले जो है वो ऑफर की गई है। यहाँ अगर हम बात करें सीटिंग पोस्चर की, तो वो काफ़ी अच्छा सीटिंग पोस्चर है और मेरे ख्याल में अच्छा थाई सपोर्ट मुझे ऑफर कर रहा है। इनफैक्ट हेडरूम भी अच्छा है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ये मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में ऑफर की गई है। सो दोस्तों, अब ज़रा बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। एक 1.2 लीटर का इंजन एंड एक 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन यहाँ पर आपको ऑफर किया जाएगा। 1.2 लीटर का जो इंजन है वो वही रेगुलर बीएसपी प्रोड्यूस करेगा, 113 न्यूटन मीटर टॉर्क यानी कि 83 बीएसपी प्रोड्यूस करेगा। और साथ ही साथ अगर हम बूस्टर जेट इंजन के बारे में बात करें, तो वो 100 पीएस की पावर प्रोड्यूस करेगा 147 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ में। दो ट्रांसमिशन ऑप्शन ऑटोमेटिक के तौर पर ऑफर किए जाएंगे, एएमटी आप कह सकते हो, नॉट प्रॉपर ऑटोमेटिक, जो कि इसके 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में ऑफर किया जाएगा। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्लस एक 5-स्पीड का AGS यानी कि AMT। और अगर आप बूस्टर जेट इंजन ले रहे हो, तो 1.0 लीटर का जो बूस्टर जेट इंजन है उसके अंदर 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड एक 6-स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर यूनिट यहाँ पे ऑफर करेगी मारुति सुजुकी। प्राइसेस के बारे में अभी जल्दबाजी होगी कुछ कहना, बट एक्सपेक्टेड प्राइस कैन बी समवेयर अराउंड 8 लाख रुपीज़ एक्सोरूम न्यू दिल्ली। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।